कुरुक्षेत्र पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, रेलवे रोड व 17 सेक्टर में आने जाने वाले लोगों को भी चेक किया और दुकानदारों व होटलों को भी चेक किया। जो लड़के जोमेटो की डिलीवरी करते हैं उनको भी चेतावनी दी गई कि जो सेक्टर 17 बैठकर शराब पीते हैं उनको खाना देने के लिए ना आए। अगर दुकानदार या रेहड़ी वाले अपनी दुकानों के आगे गाड़ियां खड़ी करवाएंगे उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। और इसके अलावा सुभाष चंद सिटी SHO और सुभाष मंडी चौक के इंचार्ज कुलदीप सिंह मौजूद रहे। इसके अलावा अगर रेहड़ी वाले या दुकानदार आवारा लड़कों को शराब बिठाकर पिलाते हैं, ऐसा अगर कोई मामला मिलता है तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। या कोई ऐसी यहाँ पर हरकत मिली तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यह चेकिंग अभियान हमेशा जारी रहेगा। सर जी, आज ट्रैफिक और इंचार्ज चौक की सुभाष मंडी के साथ PCR लाइन सभी मुलाजमों के साथ जो है 17 सेक्टर की मार्केट, कैसल माल, LIC बिल्डिंग के आसपास लोगों की शिकायतें थी कि यहाँ गाड़ियों में बैठ कर शराब पीते हैं और रेडियों से सामान लेकर के यहाँ सड़क को जाम कर देते हैं। तो उसके बारे में चेकिंग अभियान चलाया गया। तो आज चेकिंग के दौरान तो ऐसा कुछ नहीं मिला है, परंतु फिर भी आगे चेकिंग अभियान कोई चेतावनी है ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह की हरकतें करते हैं? हाँ, जो शिकायतें थी, कल जो शिकायतें मिली हैं उनको सभी को चेतावनी दे दी गई है कि भी आप चाहे दुकान वाले हैं, चाहे रेहड़ी वाले हैं, एक जोमेटो वाले बच्चे हैं उनके बारे में शिकायत थी कि वो रात को उठदंग करते हैं, उनको भी चेतावनी दी गई है। इसके अलावा जिन दुकानों के बारे में शिकायत है कि वहाँ गाड़ियाँ खड़ी करके शराब पिलाते हैं उनको भी चेतावनी दी गई है। तो आगे जारी रहेगी सर कार्रवाई? बिल्कुल आगे जारी रहेगी।